वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम L&T फाइनेंस होल्डिंग शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक में अभी क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन हुआ है L&T फाइनेंस होल्डिंग का एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ मंथली। पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे उसके बाद वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखिए हमको एक स्टॉक में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए। पहला पॉइंट हो गया कंसोलिडेशन और टाइम वाइज हो सकता है या प्राइस वाइज हो सकता है एंड जो सेकंड पॉइंट हो गया एक बेस्ट सपोर्ट जोन जहां से कि प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया होगा एंड जैसे ही कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनता है उसके बाद हम वहां पे एंट्री करना है। रिजेक्शन कैंडल क्यों चाहिए, अगर हम रिजेक्शन कैंडल को वेट नहीं करेंगे ना माने ये हो गया सपोर्ट, प्राइस आकर इसको यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हम देंगे, स्टॉप लॉस तो दे नहीं पाएंगे ना, इसीलिए हमेशा से हम प्रिफर करते हैं कि रिजेक्शन कैंडल का। अगर प्राइस डायरेक्ट आकर सपोर्ट को टच करता है एंड यहाँ पे कि रिजेक्शन कैंडल बना देता है, नहीं तो इंडिसेस कैंडल डोजी बना सकता है, नहीं तो कोई भी एक स्ट्रांग बाइंग कैंडल बना देता है, उसके बाद जाकर हमको कन्फर्म मिल जाता है कि अगर कंटिन्यूएशन बाइंग आएगा ना उसके बाद हमको एंट्री करना है एंड जो भी रिजेक्शन कैंडल वहां पे बना होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस देना है। अगर यहां पे रिजेक्शन कैंडल का वेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो रिस्क अनलिमिटेड रह जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मंथली टाइम फ्रेम ना स्टॉक देखिए यहाँ पे जो चैनल ड्रॉ किया हूँ इस चैनल के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था अराउंड अभी 5 ईयर्स हो गया है। देखिए जब भी प्राइस टाइम वाइज या प्राइस वाइज मल्टीयर का कंसोलिडेशन करता है ना एंड कंसोलिडेशन रेंज को जैसे ही ब्रेक कर देता है उसके बाद वहां से प्राइस मल्टीफोल्ड रिटर्न दे देता है। अगर आप प्रीवियसली स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 3-4 ईयर्स कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव आया था, उसके बाद देखिए प्राइस इस रेंज में अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। देखिए स्टॉक का प्राइस तो अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है लेकिन हम यहाँ पे प्री अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे जो बाय बिफोर ब्रेकआउट के सेटअप के हिसाब से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए एक कंप्लीट हो गया उसका डाउन ट्रेंड चैनल, नो डाउट स्टॉक का प्राइस अभी डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है एंड कोविड टाइम में ना प्राइस देखिए यहाँ पे वायलेट किया था इस चैनल को लेकिन उसके बाद इस चैनल के अंदर फिर से आ गया था एंड कोविड टाइम में बॉटम लगा देने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे टॉप लगाया था अराउंड 100 के आसपास, उसके बाद देखिए प्राइस इस जोन में अभी कंसोलिडेशन कर रहा है एंड यहाँ पे देखिए प्राइस बनाया है एक मोमेंटम लाइन। आप जो नीचे वाला ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा, इसको इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ तो बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए इस मोमेंटम लाइन जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए इस ब्लैक लाइन को प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट किया है एंड इस वीक में प्राइस देखिए एग्जैक्ट इस मोमेंटम लाइन के आसपास ना यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है एंड वीडियो का स्टार्टिंग में हम क्या एनालिसिस किए थे कि कोई भी एक ऑयल डिफेंस सपोर्ट के आसपास हमको एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए क्योंकि वही कैंडल के नीचे हम वहाँ पे स्टॉप लॉस दे पाएंगे। अगर इस कैंडल को हम वेट नहीं करेंगे तो स्टॉप हमारा तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा ना। देखिए स्टॉक मार्केट का जो पूरा गेम है ना वो डिपेंड करता है आप कौन सा जोन में कितना लो रिस्क के साथ एंट्री करते हैं। आपका रिस्क जितना छोटा है वो आपके लिए बेटर है क्योंकि अगर आप एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं 100 में ना आपको पता नहीं ये स्टॉक 110 जाएगा या नहीं जाएगा लेकिन एक तो पक्का गारंटी है कि स्टॉक 95 आ सकता है। इसीलिए हमेशा से ना हमको किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले 95 के लिए तैयार होना चाहिए, उसके बाद जाकर 110 जाएगा 200 जाएगा वो तो मार्केट के हाथ में है। एग्जल देखिए प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन मिला है एंड देखिए मल्टीपल टाइम एनालिसिस किएगी जो मोमेंटम लाइन होता है 3 टाइप्स का होता है। पहले एक हॉरिजॉन्टली मूव देगा यहाँ से प्राइस को मल्टीपल टेस्ट करेगा, उसके बाद इस टाइप का मोमेंटम लाइन बनेगा एंड जो लास्ट फेज होता है ना वहाँ पे मोमेंटम लाइन बनेगा एक पैराबोलिक मूव के साथ। इस टाइप का मोमेंटम लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट करके वहाँ पे 100 या 150% रिटर्न दे सकता है एंड यहाँ पे जिस टाइप का रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बना है ना हाई प्रोबेबिलिटी कि इस स्टॉक के लिए जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है 90 के आसपास उसी लेवल को अभी ब्रेकआउट कर सकता है। देखिए 90 के आसपास अगर जाकर वीकली क्लोजिंग दे देता है ना उसके ऊपर उसके बाद स्टॉक मल्टीयर का ब्रेकआउट दे देगा जो कि अराउंड 5 ईयर्स एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है लेकिन हम जो मल्टीयर का ब्रेकआउट को अभी से प्री अटेम्प्ट करेंगे। कैसे, जो यहाँ पे मोमेंटम लाइन के आसपास जो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है उसका हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। इसका हाई बना है यहाँ पे नियरली 76 के आसपास।
अगर इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 76 के ऊपर 3 मिनट सस्टेन करता है वहां पे हमारा एंट्री बनेगा। एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इस कैंडल का लो के नीचे जो कि यहाँ पे बन रहा है 72 के आसपास, एंड 3 मिनट का क्लोजिंग बेसिस पर हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। एंड हमारा अकुमुलेशन जोन रहेगा टोटल कैंडल के अंदर, इस जोन में हम अकुमुलेशन करेंगे। एंड एंट्री स्टॉप लॉस आप समझ गए हैं, बस हमारा क्वांटिटी को मैनेज करना है। देखिए सेटअप कितना भी अच्छा हो जाएगा ना, आपका क्वांटिटी हमेशा प्रॉपर रखिएगा एंड एक साथ कभी भी क्वांटिटी बाय मत कीजिएगा। एंड अगर आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 90 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद वहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड स्टॉक तो इजीली उसके बाद डबल हो जाएगा। बस हम वहाँ पे प्री अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टॉक का जो मल्टीयर का ब्रेकआउट एंड हाई प्रोबेबिलिटी जो 90 का लेवल को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद हम फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे। अभी के लिए प्री अटेम्प्ट करने के लिए क्वांटिटी ले रहे हैं, मानी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है एंड आपका नीचे से क्वांटिटी है तो आपको यहाँ पे एडिशनल बफर जोन मिल जाएगा इस टाइप का सेटअप के ऊपर। एंड इस टाइप का सेटअप जब बनता है एंड जब यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट आ जाएगा तो इस स्टॉक का प्राइस तो इजिली डबल हो सकता है। एंड यहाँ पे आपका क्वांटिटी रिस्क को मैनेज करना है एंड जैसे अभी हम कवर किए हैं टोटल अभी डिपेंड करता है इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल का हाई के ऊपर आपको एंट्री करना है सिंपली एंड कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। आई होप आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।